अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर टॉफ़ी को लाइटर के साथ गर्म किया जाए तो क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्विस्टो टॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे और इसको सिलेंडर वाले लाइटर यानी जिसका प्रेशर काफ़ी तेज़ होता है उसके साथ इसको जलाएंगे। तो टॉफ़ी को ओपन करके रख लेते हैं। अब लाइटर के साथ इसको जलाना शुरू करते हैं। टॉफ़ी ने धुआं छोड़ना शुरू कर दिया और धुएं में से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छे फ्लेवर की। तो देखते हैं एंड तक इसका क्या बनता है, यह लाइटर का क्या बनता है, क्योंकि ये लाइटर भी ज़्यादा देर जलने की वजह से बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। देखिए लाइटर आगे से जलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। लाइटर का काम तमाम हो गया। अब यानी दूसरे लाइटर का भी हम साथ इस्तेमाल करेंगे ताकि वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो जाए। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता दोनों का इस्तेमाल करेंगे। टॉफ़ी बहुत स्लो जल रही है इसलिए हम दोनों लाइटरों से इसको जलाने की शुरू कोशिश करते हैं ताकि टॉफ़ी का हमें एंड जल्दी नज़र आ जाए। लाइटर तकरीबन फुल ख़राब हो गया क्योंकि आगे से ये जलना शुरू हो गया। तो अभी कोशिश करते हैं कि ये कब तक साथ देगा हमारा। एक लाइटर का जो आगे से सिलेंड्रिकल प्रेशर होता है वो बहुत कम हो गया। टॉफ़ी मुझे उम्मीद थी कि आग की वजह से जलना शुरू हो जाएगी लेकिन नहीं ना। ये देखो लाइटर ख़राब हो गया टोटली, अब तो ये जल भी नहीं रहा, ये फेल हो गया। तो चलिए इस टॉफ़ी का यहीं पर एंड करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ क्या बना है। नीचे से टॉफ़ी बिल्कुल ठीक है, ऊपर से ये देखें बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो गई है, पिघल के यानी मेल्ट हो गए, फैली नहीं लेकिन फुली मेल्ट हो चुकी है और हाथों को इतनी बुरी तरह से चिपक रही है कि ये देखें उतरने का नाम ही नहीं ले रही। तो चलिए अब टॉफ़ी के बाद बबल के ट्राई करते हैं कि बूम बूम बबल को अगर जलाया जाए तो उसका ट्विस्टो के मुकाबले में क्या रिजल्ट होगा। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये कोई ख़ास रिज़ल्ट देगा, कि ट्विस्टो का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट था लेकिन एक्सपेक्टेड था जो वो नहीं मिला। मुझे था कि आग लग जाएगी और जलना शुरू हो जाएगी लेकिन नहीं। बूम बूम तो उससे भी डीट साबित हो रही है। इसकी स्मेल भी बहुत ही प्यारी आ रही है लेकिन ट्विस्टो की स्मेल इससे ज़्यादा अच्छी थी। स्मेल के मामले में ट्विस्टो आगे जा रही है और उसे आग भी थोड़ा सा जल्दी लगना शुरू हो गई थी यानी वो मेल्ट जल्दी होना शुरू हो गई थी लेकिन बबल तो अभी तक अपनी जगह पे कायम है और जहाँ पर सिर्फ आग लगी है वहाँ पर ही ये अपना असर दिखा रही है। लाइटर भी आहिस्ता आहिस्ता अपने एंड की तरफ जा रहा है। एक लाइटर बेकार कर चुके हैं हम, तो दूसरा लाइटर देखें, बबल भी पिघलना शुरू हो गई है। टॉफ़ी नीचे से नहीं थी जली इसलिए हमने पहले बबल को उठा कर दूसरी साइड से चलाना शुरू कर दिया ताकि इसका अच्छी तरह एंड हो। तकरीबन सेम ही है दोनों, लाइटर का काम तमाम हो गया। अभी है थोड़ा सा है। तो अभी मेरे ख्याल से लाइटर अब एंड हो चुका है तो इस लाइटर को भी यहीं तक छोड़ते हैं। बस बस
बस एंड हो गया इन दोनों लाइटरों का। जी तो गाइस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगर आपने भी ज़िंदगी में इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया है या आपके जहन में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कभी आया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।